गांधी भवन मंडी में दिरंग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यशाला के दौरान कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए गए और लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन कर रणनीति भी तैयार की गई। इस कार्यशाला के दौरान बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टियों की नीतियों, कांग्रेस पार्टी के इतिहास और कांग्रेस विचारधारा की विस्तृत जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में घर घर जाकर वोट मांगने की अपील भी की। और श्री आकाश शर्मा जो एडवोकेट है, उन्होंने जो है इस ट्रेनिंग के बारे में बूथ कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी, ताकि कैसे उन्होंने जब मतदान होगा उससे पहले गांव गांव में जा कर के कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करना है और मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए उनको प्रेरित करना है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में, कांग्रेस पार्टी के जो आज तक प्रधान रहे उनके बारे में, कांग्रेस पार्टी क्या नीतियां हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या विचारधारा है, उसके बारे में कांग्रेस के जो हमारे बूथ लेवल के अध्ययन थे उनको जो है ट्रेनिंग दी है। मुझे खुशी है कि बड़ी अच्छे तरीके से हमारे दिरंग चुनाव क्षेत्र के काफ़ी बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल हुए और बड़े उत्साह के साथ उन्हें ट्रेनिंग ली है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख बनाए, इनका एक पन्ना प्रमुख मुझे मिला, कहते हैं जब मुझे पन्ना दिया है उस पन्ने में 25 वोटर हैं, 25 में से 13-14 तो कांग्रेस के हैं, 8-10 मुलाजिम हैं और भाजपा के सिर्फ 2 हैं। ये तो पन्ना प्रमुख की बात अलग है, लेकिन हमने जो बूथ लेवल पे जो प्रेसिडेंट बनाए, एक बूथ 10 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ होंगे, उसके साथ ही 2 सेवा दल के कार्यकर्ता होंगे, 5 महिला जो है कांग्रेस जो है उसके कार्यकर्ता होंगे, और इसी तरह से एक बूथ 10 बूथ वो भी उसमें कार्यकर्ता काम करेंगे, अनुसूचित जाति के लोगों को भी उसमें जोड़ा जाएगा, अल्पसंख्यक वर्ग अगर उस बूथ में है उसमें शामिल किया जाएगा। इस तरह से ये ट्रेनिंग कार्यक्रम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी फायदेमंद है, उसका जो है कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है।